हाय एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स में। आज इस कोर्स की फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोगों ने अपना शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर किस तरीके से क्रिएट करना है, उसको सेटअप करेंगे आज की इस वीडियो में, और उसके डैशबोर्ड की सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। सो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड किया है बहुत ही इजी वे में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं भी पता फिर भी इस वीडियो को देखकर आप लोग अपना शॉपिफाई का जो ड्रॉप शिपिंग अकाउंट है वो इजीली क्रिएट कर पाओगे। सो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस कोर्स में नेक्स्ट आगे चलकर आप लोगों को हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लाजमी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके सो गाइस, फाइनली जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आके सर्च करना है शॉपिफाई, पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी उसे आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप लोगों ने स्टार्ट फ्री ट्रायल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप लोग सिलेक्ट करोगे आपसे पूछेगा लेट्स गेट स्टार्टेड विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब यू, आप स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी किसी स्टोर पे काम कर रहे हो। तो आप लोगों ने आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा है कि लाइक टू सेल एन ऑनलाइन स्टोर इन पर्सन, एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग, या श्योर नहीं हो। तो हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है, प्लान पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट सेल क्या है। तो इधर से आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना है। तो सिंपली से आप लोग इधर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और इधर से सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपसे ये आपकी कंट्री का पूछेगा, रीजन का पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कर देंगे इधर से। उसके बाद आपसे पूछा है क्रिएट शॉपिफाई आईडी, अपनी शॉपिफाई आईडी आप लोगों ने जैसे क्रिएट करनी है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाले को ही चूज करता हूँ। इधर आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देनी है और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोगों ने चूज करना है। मैंने एक अच्छा सा पासवर्ड चूज कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट शॉपिफाई आईडी पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने वैलिडेटिंग अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, जनरेटिंग क्रीडेंशियल, या आप लोगों को क्रीडेंशियल जनरेट करा है। उसके बाद आपका स्टोर को इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। फाइनली हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हो गया है, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया है शॉपिफाई का। इधर आप लोग देख सकते हैं कि योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड, आपको 3 दिन का ये फ्री ट्रायल देंगे। उसके बाद आपको 1 महीने का $1 पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होंगे आपको जस्ट $1 पे करना पड़ेगा। इसको मैं हाइड कर देता हूँ सिंपली से और बाकी चलते हैं। ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग्स हैं आप लोगों ने किस तरीके से करनी है वो देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको होम शो है, होम मतलब कि अपना ये डैशबोर्ड है शॉपिफाई का। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है वो है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में आपको सारे के सारे आपके ऑर्डर्स शो होंगे, जो भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे इधर डैशबोर्ड में आपके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपके सारे ऑर्डर्स शो होने वाले हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्स है, नीचे ड्राफ्ट्स में आपके वो तमाम ऑर्डर शो होंगे जो मतलब कि अभी ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं। नीचे आ जाते हैं हम लोग अबंडेंट चेकआउट्स में, इधर वो सारे ऑर्डर्स पड़े होंगे जो कि लोगों ने चेकआउट तो किए हैं, ऐड टू कार्ट तो किए हैं, लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं किया। आप लोग उनको मैसेज करके भी कह सकते हैं, इससे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट आगे चल के इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके नीचे आ जाता है प्रोडक्ट्स का सेक्शन, प्रोडक्ट्स में आप अपनी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड किस तरीके से करनी है नेक्स्ट आगे चल के इसको भी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। नीचे आ जाता है ऑप्शन कलेक्शंस का, कलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैटेगरीज भी कह सकते हैं आम अल्फाज में। इधर आप लोग अपनी कैटेगरीज डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोग लिस्ट करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्शन में आएंगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग नेक्स्ट आगे चलकर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने कलेक्शंस को क्रिएट करना है। अभी नीचे आ जाते हैं एनालिटिक्स में, मेन चीज़ जो है वो एनालिटिक्स, एनालिटिक्स में आपके अकाउंट का, आपके शॉपिफाई अकाउंट का सारा एनालिटिक्स शो होगा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी सेल्स जनरेट हुई हैं। उसके बाद सारा का सारा आपका डाटा शो होगा इधर। अब नीचे आ जाता है ऑनलाइन स्टोर, इधर आप लोग आई का बटन शो हो रहा है, इधर अगर मैं क्लिक करूं तो आपको ये आपका स्टोर शो करवा देगा। अभी हम लोगों ने कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं की, थीम वगैरह अप्लाई करेंगे, थीम को कस्टमाइज करेंगे। अभी हमारा स्टोर जो लुक वाइज आप लोग देखें बहुत ही सिंपल सा शो हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी हम लोगों ने सेटिंग्स वगैरह इसकी नहीं की। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, आप लोगों को इधर ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, मेन चीज है सेटिंग्स। अब सेटिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है ताकि किसी भी किस्म की नेक्स्ट आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना आए। इधर आप लोग देखें तो आपके फर्स्ट नंबर पे स्टोर का नेम, स्टोर का ईमेल और फोन नंबर शो हो रहा है। इधर आप लोग ने एडिट पे सेलेक्ट करना है और अपने स्टोर का कोई भी नाम रख लेना है।
मैं सिंपल से कुछ भी नाम रख लेता हूँ रैंडम सा, आप लोगों ने अपने स्टोर का जो नेम है वो बहुत ही ध्यान से रखना है। मतलब कहने का, मिसाल के तौर पर आप लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस निश से रिलेटेड आप लोगों ने अपने जो स्टोर का नाम रखना है। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा, नेक्स्ट आप लोग जब भी अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे उसकी मार्केटिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी इसकी। इधर मैं स्टोर का नेम रख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने अपना फोन नंबर इधर ऐड कर लेना है, फोन नंबर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने अपने स्टोर का ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना है, ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी लगा दी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से सेव कर देना है इसे। सेटिंग्स हमारी सेव हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं। अभी नीचे आप लोग देखें तो बिलिंग इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है। इधर आप लोगों ने अपनी बिलिंग एड्रेस डालना है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। एडिट में जाना है, सिंपल से आप लोगों ने लीगल बिजनेस नेम, अपना आईडी कार्ड भी जो भी आपका नेम होगा वो आप लोगों ने ऐड करना है। बिजनेस नेम मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करनी है। एड्रेस में आप लोगों ने अपना एड्रेस ऐड कर देना है। एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सिटी कौन सी सिटी से हो, आप लोगों ने अपनी सिटी ऐड करनी है इधर। नेक्स्ट उसके बाद अपना पोस्टल कोड ऐड कर देना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि स्टोर की करेंसी आप लोग कौन सा रखना चाह रहे हो। आप लोग अगर लोकली काम कर रहे हो पाकिस्तान में तो आप लोगों ने अपनी पाकिस्तान ही रख लेनी है करेंसी, जो कि पीकेआर में है। इसके अलावा अगर आप लोग यूएसडी में ऑपरेट करना चाह रहे हो, मतलब के आउट ऑफ दी कंट्री, तो आप लोगों ने यूएस डॉलर भी रख सकते हो। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे पीकेआर ही रहने दें। उसके बाद आप लोगों ने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका टाइम जोन क्या है। उसके बाद आप लोगों ने यूनिट सिस्टम ऐसे ही रहने देना एज इट इज, और डिफॉल्ट वेट इसको भी ऐसे ही रहने देना। उसके बाद ऑर्डर आईडी फॉर्मेट में पिक्सल और प्रीफिक्सेस जो भी हैं इसको भी एज इट इज ही रहने दें, बाय डिफॉल्ट इनको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल से आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है और आपकी तमाम की तमाम सेटिंग हो चुकी है अकाउंट की, शॉपिफाई अकाउंट की। इस तरीके से आप लोगों ने सारी की सारी सेटिंग्स कर लेनी है। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं मेरे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।